मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लाल मेहंदी में तू इतनी सोहनी लगती। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट साक्षी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव डॉट कॉम। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड वी हैव अकुल। हाय अकुल, हाउ इज यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सो मैं आपको बता दूं, अकुल एक म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं और रिसेंटली उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर डेब्यू अकुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने सॉन्ग के बारे में, तेरा हुआ? Well, the song was actually made before the pandemic. ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था 2019 में, and yeah, the song was actually supposed to release, I think in March or April 2020, but you know, COVID started, and then the company was holding the song. The makers of the film, Vishesh and मुकेश जी हु मेड द फिल्म, उन्होंने यही कहा कि जब ऑफ कोर्स व्हेन फिल्म्स विल स्टार्ट ओपनिंग अप वी विल रिलीज द मूवी एंड द सॉन्ग्स, एंड या फाइनली इट्स आउट एंड बीन लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑफ यू नो आई गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर इट, एंड बहुत लोगों को मेरी एज अ कंपोजर जो साइड थी वो बहुत ज्यादा देखी नहीं है लोगों ने मेरे गाने सुने एज एन आर्टिस्ट, तो अच्छा लग रहा है, लाइक पीपल लव इट। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक जर्नी कैसी थी बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर से यहाँ तक की, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? वेल, जर्नी तो मेरे को लगता है अभी शुरू ही हुई है, बट ऑफ कोर्स आई हैव बीन इन द म्यूजिक यू नो मेकिंग a scene for a long time. Journey is very interesting actually, you know, because aapko naye aap nayi nayi cheeze seekhte ho, aap apni craft pe polish karte ho, then aapko naye log milte hain, unse aap bahut cheeze seekhte ho, unse business related cheeze seekhte ho. So I'm born and brought up in Delhi, and I did my graduation, and I was looking for opportunities in music, and wahan se I decided to move to Bombay. Then I of course started meeting a lot of people in Bombay, started making music in Bombay, and yes, karte karte bahut sari cheeze hain journey ko leke, but yeah, the journey has been very nice. ओके, तो सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू चूज समथिंग डिफरेंट और आउट ऑफ द बॉक्स, तो हमारे जो आसपास वाले लोग होते हैं वो हमें बोलते हैं कि नहीं यार, व्हाई यू आर डूइंग दिस, दिस इज नॉट सटल करियर, ऑल दिस स्टफ। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? बिकॉज सी, दिस इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंट जोन जो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग यू नो ओपन नहीं है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया हो कि अरे यार मत करो या समथिंग लाइक दिस, एंड हाउ यू ओवरकम दैट, अगर हुआ है तो? आई थिंक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिकॉज व्हेन आई डिड द सॉन्ग लाल बिंदी, उस टाइम मेरे जो साथ के फ्रेंड्स थे उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आया गाना, उनको लगा ये कैसे गाना है, और उनको लगा कि वो गाना मतलब पसंद नहीं आएगा किसी को, क्योंकि उनको भी नहीं समझ आया। तो मैंने कहा यार मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने तो निकालना है, एंड उसके कुछ महीने बाद गाना इतना चल गया कि मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, और देयर वाज नथिंग अगेंस्ट के नहीं नहीं मेरे को मतलब कोई ऐसी नहीं थी कि आई एम गोइंग अगेंस्ट एनीबॉडी, इट दे आर माय गुड फ्रेंड्स, उनको बहुत चीजें मेरी पसंद आई हुई है, बहुत चीजें नहीं आई हुई, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो चीज उनको बहुत पसंद थी वो उस तरीके का रिएक्शन लेके नहीं आई लोगों से। सो आई थिंक ये तो ओपिनियन सबकी है, आपको अच्छा लगता है, बिलीफ है, तो आप आगे जाते हो और इस चीज को बाहर निकालते हो। टॉक अबाउट योर लाल बिंदी सॉन्ग, उसको इतने सारे लाइक्स मिले हैं, इतने सारे व्यूज मिले हैं, और वो सॉन्ग अभी भी अभी इवन बहुत सारे लोगों की प्लेलिस्ट में है, राइट? और लोग सुनते हैं उसको, एंड वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, मैंने खुद भी सुना है। सो द थिंग इज कि उस सॉन्ग के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, क्या कुछ मुझे मैंने सुना है कि उसके बाद आपको ऑफर आया था बॉलीवुड से, इज इट ट्रू? बिल्कुल,
उससे उसकी वजह से तो नहीं आया था बॉलीवुड का ऑफर, बट वो गाना ऑफकोर्स आया हुआ था और वो इतना पॉपुलर हो चुका था. एंड मैंने सबसे पहले एक्चुअली एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आई डिड द सॉन्ग फॉर मोहित सूरी विच वॉज मलंग लास्ट ईयर, जो मैंने सिर्फ उसका म्यूजिक बनाया था जो उसको ट्रैक होता है. द कॉम्पोजिशन वॉज वेद इन ही सैंग द सॉन्ग ऑल्सो. तो बिकॉज मोहित सर के साथ मेरा एक पुराना एसोसिएशन था, ही सिलेक्टेड लाल बिंदी एज अ सॉन्ग टू रिलीज, एंड तब मैंने उनको अपने नए गाने कुछ सुनाए तो उनको मलंग वाला जो प्रोडक्शन था वो उनको बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने कहा कि यू नो आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस इन इन माय फिल्म टाइटल सॉन्ग. तो वहां से वो किया था. लेकिन यस, लाल बिंदी को बहुत प्यार मिला, अभी भी वो लोगों की प्लेलिस्ट में है, उस गाने को टाइम भी हो गया आए हुए. लेकिन या दैट सॉन्ग इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इट्स स्टिल वेरी फ्रेश फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. उसके लाइक्स ही मिलियंस में है, व्यूज तो आप रहने दीजिए, लाइक्स ही सिर्फ मिलियंस में है उस सॉन्ग के. या सो ऐसा बोला जाता है कि जब आप सॉन्ग लिखते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लाल बिंदी के पीछे कौन सी स्टोरी थी या कौन सी वो मैडम थी जो थी उस लाल बिंदी के पीछे. ये मेरे को बहुत लोग पूछ चुके हैं. मैंने गाना है जब हुक का पार्ट मैंने इसमें क्रैक किया था, सो आई वाज नॉट श्योर दैट आई विल कीप द वर्ड लाल बिंदी. मेरे को लगा नहीं है लाल बिंदी. फिर मेरे को बाद में लगा यार हाँ वैसे अच्छा भी लग रहा है लाल बिंदी, कितने लोग पहनते हैं और इस पे गाना भी नहीं है. तो आई थिंक सबकॉन्शियसली शायद मेरे को लगता है ऑनेस्ट ऑन अ कॉन्शियस लेवल मैं सोच नहीं पाता कि किसको देखा होगा कभी, बट जरूर देखा होगा तभी गाने में थॉट आया. आई थिंक जो आपके थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में छुपे हुए होते हैं जो बाहर आ जाते हैं किसी ना किसी टाइम पे कहीं ना कहीं तरीके से, तो बस वो आ गया और गाना बन गया. बिल्कुल मुझे आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग नहीं रहा है वैसे तो, बट ठीक है हम मान लेते हैं इस इंटरव्यू के लिए ये चीज. नहीं नहीं ऐसे ही है. ओके सो इफ आई आस्क यू हु इज योर इंस्पिरेशन बेसिकली इफ यू म्यूजिकल. हां म्यूजिकल बैकग्राउंड में मैं सही बता रहा हूँ वैसे ये बड़ा कोई मतलब बड़ा क्लीशे जवाब है, बट एक्चुअली आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट. मैंने कभी भी किसी एक सिंगर को या किसी एक म्यूजिशियन को कभी फॉलो ही नहीं किया. माय इन्फ्लुएंसेस हैव बीन लॉट विद द वेस्टर्न आर्टिस्ट आल्सो. There are a lot of American artists, a lot of British artists, and a lot of different cultures, a lot of different music, whether it's old music, Michael Jackson or Michael Bublé or Michael Bolton. These are very good artists that I've heard a lot. Or new artists like Ed Sheeran or Bruno Mars or Weeknd. So I've heard and I still hear everybody. And I have, and of course, the Bollywood music, Punjabi music, Pakistani music, you know, Pakistani bands. I think ये सारे collectively ये सब को मैंने बहुत सुना है, अभी भी सुनता हूँ. Okay, okay. So जब आपके parents को पहली बार पता चला कि आप music composer and singer बनना चाहते हैं, तो उनका reaction कैसा था? उनका reaction, I think, उस time पे तो ये था कि पहले अपनी पढ़ाई करो. You know, finish your school and college, and then let's discuss. Okay, so in the process, any specific challenge you faced? जो लगा हो कि यार अब मैं demotivate हो रहा हूँ या कुछ नहीं हो पाएगा, something like this. I think challenge तो हमेशा ही है. एक गाना like to make a great song is also a sort of a challenge. So and to make something again and again and to make everybody like that thing. Correct. But challenge, I think on a regular level,
यू कैन फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बट ऐसा कुछ इट्स नॉट इजी ऑफ कोर्स आई थिंक एवरीथिंग हैज एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज करेंगे तो बहुत आसान है आई थिंक सब चीजों में एफर्ट लगता है ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतने सारे गाने गाए हैं उसमें से आपका कोई एक पर्सनल फेवरेट सॉन्ग जो आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे बहुत पसंद है मुझे बहाना बहुत पसंद है वो मैंने बहाना लॉकडाउन में हमने बनाया था एंड वो लॉकडाउन में ही शूट हुआ और लॉकडाउन में ही आया लास्ट ईयर तो वो मेरे इस सिनेरियो में हमने उस गाने को बनाया मतलब ऑडियो भी उसका मैंने आइडिया बनाया हुआ था उसका जब पेंडेमिक चल रहा था जब शुरू ही हुआ था लास्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल में तब आई हैड मेड द सॉन्ग एंड देन द कंपनी वांटेड कि हम सिर्फ उसकी ऑडियो रिलीज करें फिर मैंने कहा नहीं यार ऑडियो नहीं हम वीडियो भी बनाएंगे जैसे मर्जी बनाएंगे छोटी बनाएंगे बड़ी बनाएंगे लेकिन बनाएंगे जरूर फिर एक बार डिस्कशन हुई लिरिकल वीडियो बनाने की मैंने कहा नहीं यार हम नॉर्मल म्यूजिक वीडियो बनाएंगे सो उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी बनी एंड मतलब आई वाज इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग पीस ऑफ आर्ट फ्रॉम माय साइड द सेम पंजाबी सॉन्ग ना जो प्रॉपर पंजाबी है बहाना इज द वन यस हां मैंने सुना है ओके बट पंजाबी एकदम ज्यादा समझ नहीं आती तो like नहीं वो बहुत पंजाबी है इवन फरार जो वो भी बहुत पंजाबी है बट बहुत इजी पंजाबी है वो ऐसा कभी भी लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है ओके सो एक और बार सुन लूंगी मैं दैट केस हालांकि लाल बिंदी तो मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ जब आया था तभी से सब लोग सुन रहे हैं इस सॉन्ग को माय फेवरेट इज ऑफ कोर्स लाल बिंदी तेरा हुआ मैंने अभी तक नहीं सुना है सो आई एम गोना डू दैट सून एंड इफ आई आस्क यू कि आपका फेवरेट म्यूजिक कंपोजर या फिर सिंगर कौन है अपार्ट फ्रॉम यू आई थिंक कंपोजर अगर मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात करूँ तो मैंने बहुत से कंपोजर्स को सुना है अभी भी सुनता हूँ फॉलो भी करता हूँ रिमान सर प्रीतम सर आई थिंक विशाल शेखर सलीम सुलेमान आई थिंक दीज फोर आई हैव ग्रोन अप अ लॉट लिसनिंग टू एंड मेरे को वैसे म्यूजिक मैंने सुना है एंड यू नो obviously they are not from my generation but R.D. Burman, Lakshmikant Pyarelal and Shankar Jaikishan जो बॉलीवुड के बहुत अमेजिंग कंपोजर्स रहे हैं उनको भी मैंने सुना है लेकिन या द म्यूजिक विच आई फॉलोड अ लॉट इज डेफिनेटली प्रीतम रहमान एंड विशाल शेखर सलीम सुलेमान Okay, that's nice. So, some of the few last questions. आपके upcoming projects? Upcoming projects तो of course अपने singles हैं जो तैयार हैं जो आने वाले within a few weeks. As a composer and as an artist both. Then there are film songs जो films चल रही हैं जो shoot हो रही हैं मतलब finish हो रही हैं. तो वो है एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम कोलैबोरेशंस एज वेल इन द कमिंग ईयर सो या लॉट ऑफ म्यूजिक कमिंग लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग ओके सो फैंस जस्ट रेडी हो जाइए लेट्स सी द सॉन्ग्स अगर आप सिंगर ना होते तो आप क्या होते आई थिंक मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में ही कुछ होता डीजे होता शायद या एएनआर होता या कोई म्यूजिक कुछ काम कर रहा होता लाइक अच्छा ओके या तो अब अगर यहाँ पे इतने सारे सॉन्ग्स की बात हो रही है और आप यहाँ पे बैठे और आपसे गाना ना सुना जाए दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल सो मेरी लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप एक सॉन्ग जो है वो सुना लीजिए मैं वो दरिया हूँ जिस पे तू बहता है बादल मैं तू मुझे मैं चांद से छुपता है मैं वो सरगम जिसकी धुन के तू जैसा है बन के जमीन तू ही पाँव से लिपटा तेरा हुआ मैं तो तेरा हुआ मैं तो तेरा मैं तेरा हुआ
प्लीज अकुल एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार लाल बिंदी भी सुना दीजिए, जस्ट टू लाइंस, बिकॉज इट्स एन अल्टीमेट सॉन्ग और एक कभी भी बोर नहीं होते हो तो. थैंक यू. ऑलराइट. हाँ मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लग रही, लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लग रही, हाँ मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लाल बिंदी में, लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लग रही. That was wonderful. So live सुन करके भी उतना ही मजा आया है जितना हमें song सुन करके आया था package में. So it's so wonderful talking to you and I literally want कि आपके बहुत सारे songs हैं, especially लाल बिंदी जैसे और भी इतने सारे songs हैं जो एकदम favorite बन जाएं लोगों के और लोग continuously back to back अपनी playlist में सुने. And like it was nice interview Akul and congratulations आपके सारे के सारे जो आपने अब तक achieve किया है और all the best आपके सारे आगे के projects के लिए. So much. Thank you. It was nice having, nice talking to you. Thank you. Bye. Bye.